राजस्थान के 7 मंत्रियों के इलाकों में वोटिंग बढ़ी। गहलोत और 18 मंत्रियों की सीटों पर मतदान कम। वोटिंग पैटर्न से अलार्मिंग संकेत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा चुनाव में इस बार 74.96% के आसपास वोटिंग हुई है, जो पिछली बार के 74.06% के आंकड़े से 1% बढ़ गई है। 2018 की तुलना में वोटिंग प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी भी कई सीटों पर उलटफेर कर सकती है। वोटिंग पैटर्न ने साफ सियासी अलार्मिंग वाले संकेत दे दिए हैं। गहलोत सरकार के 7 मंत्रियों की सीटों पर पिछली बार की तुलना में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। सीएम गहलोत की सरदारपुरा सीट पर 2.59% वोटिंग घटी। सीएम अशोक गहलोत की सीट सरदारपुरा में इस बार 2.59% वोटिंग में कमी आई है। 2018 में सरदारपुरा सीट पर 67.09% वोटिंग हुई थी, जो इस बार घटकर 74.50% रह गई है। स्पीकर सीपी जोशी की सीट पर 1.76% बड़ी वोटिंग। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी नाथ द्वारा में इस बार 78.20% वोटिंग हुई है, जबकि 2018 में 76.44% वोटिंग हुई थी। इन 10 मंत्रियों के इलाकों में 1% से कम घटी वोटिंग। शांति धारीवाल, बीडी कल्ला, उदयलाल आंजना, विश्वेंद्र सिंह, प्रमोद जैन भाया, साले मोहम्मद, अशोक चांदना, भवर सिंह भाटी, राजेंद्र यादव, सुखराम विश्नोई और सुभाष गर्ग के इलाकों में 1% से कम वोटिंग घटी है। 5 मंत्रियों के इलाकों में 2.50% से 6% तक कम वोटिंग। मंत्री मुरारीलाल मीणा के क्षेत्र दौसा में पिछली बार से 5.98% वोटिंग कम हुई है। बानसूर से शकुंतला रावत के क्षेत्र में 4.26%, कामा से जाहिदा खान की सीट पर 4%, सिकराई से ममता भूपेश के इलाके में 2.96% और बांसवाड़ा से अर्जुन बामनिया की सीट पर 2.51% वोटिंग कम हुई। महेंद्र जीत मालवी की सीट पर 1.44% और टीकाराम जुली की सीट पर 1.41% वोट कम पड़े। डोटासरा राठौर की सीट पर वोटिंग बढ़ी। वसुंधरा राजे, हनुमान बेनीवाल की सीटों पर वोटिंग घटी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सीटों पर वोटिंग में काफी इजाफा हुआ है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की सीट पर वोटिंग प्रतिशत गिरा है। डोटासरा की सीट लक्ष्मणगढ़ पर 2.08% वोटिंग ज्यादा हुई है। लक्ष्मणगढ़ में 2018 में 74.39%, जबकि इस बार 76.47% वोटिंग हुई है। राजेंद्र राठौड़ की तारानगर सीट पर पिछली बार से 7.05% वोट ज्यादा पड़े हैं। तारानगर सीट पर 2018 में 75.25% वोटिंग हुई, जबकि इस बार 82.30% वोटिंग हुई है। वसुंधरा राजे की झालरापाटन सीट पर इस बार 76.67% वोटिंग हुई, जबकि 2018 में 78.43% वोटिंग हुई थी। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की खींवसर सीट पर 2018 में 75.58% वोट पड़े, जबकि इस बार घटकर 72.50% ही वोटिंग हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।